पहली बार किसी गोरे को इंडिया का तिरंगा लहराते हुए देख रहा हूँ। ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। बॉलीवुड में हर जॉनर की फिल्में बनाई जाती है। स्पोर्ट पर हर साल कोई न कोई फिल्म जरूर आती है। बॉलीवुड में स्पोर्ट पर्सन पर ढेरों बायोपिक्स बनाई गई। सभी को उतना सक्सेस नहीं मिला, पर कुछ फिल्में हिट हुई। बॉलीवुड ने स्पोर्ट पर कुछ आइकॉनिक फिल्में भी बनाई है। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की 10 ग्रेटेस्ट स्पोर्ट फिल्मों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ऐसे लगता है कि बॉलीवुड को ध्यान में रखकर ही चेतन भगत अपनी नॉवेल्स लिखते हैं। नंबर 10 पर है चेतन भगत के नॉवेल पर बेस्ड 2013 की फिल्म कायपोचे। कहानी है फ्रेंडशिप और क्रिकेट की, जो कि बॉलीवुड के पसंदीदा सब्जेक्ट है, और साथ ही अगला सचिन तेंदुलकर ढूंढने की। वो इसका मोरल देखे, और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेम तो होने बस। मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में कामयाब रही। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, अमित साद, राजकुमार राव मेन एक्ट्रेस थे। आज की ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी अगर 90s की फिल्म जो जीता वही सिकंदर को शामिल नहीं किया तो। आमिर खान जो इतने बड़े सुपरस्टार है, उसमें इस फिल्म का बड़ा योगदान है जो उनको स्टारडम की राह पर ले गया। आमिर खान ने एक यंग लड़के का रोल किया है जिसका प्यार में दिल टूट जाता है। अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए स्कूल की साइकिलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना उसका मिशन है जो उसे पूरा करना है। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही और आमिर खान जवां दिलों की धड़कन और ब्रिलियंट एक्टर बनकर सामने आए। राम सादे, अब तक तो रतन के वादे ने मुझे रोका हुआ था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी वजह से मेरा भाई इस रेस में नहीं है। नंबर 8 पर है अनुराग कश्यप की रोमांटिक स्पोर्ट फिल्म मुक्काबाज। सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है। हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने। इसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाएगा, ये वादा किया था हमने उससे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी हिट नहीं हुई, लेकिन जिसने भी फिल्म को देखा उसे फिल्म पसंद आई। फिल्म की कहानी एक बॉक्सर की है जो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। फिल्म में लीड रोल में है विनीत कुमार, जिन्होंने अनुराग के साथ इससे पहले अगली, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बॉम्बे टॉकीज में काम किया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए सचमुच बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के। ये फिल्म 6 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम के लाइफ पर आधारित है। कैसे वो अपने लाइफ के कठिन परिस्थितियों को हराकर 6 times वर्ल्ड चैंपियन बनी। फिल्म में प्रियंका ने मेरी कॉम का किरदार प्ले किया है। प्रियंका ने इस फिल्म में अपने एक्टिंग स्किल्स का जलवा दिखाया है। दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया है, क्या मेरी कॉम बॉक्सिंग भूल गया है? तुम एक फाइटर है तो, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और तुम्हारा ताकत अब दो गुना बढ़ गया है। 6 नंबर पर है 2005 की फिल्म इकबाल। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। तू अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद कर रहा है। मोस्ट अंडररेटेड फिल्म ऑफ ऑल टाइम इस मास्टरपीस को जा सकता है। इतनी बढ़िया होते हुए भी ये फिल्म उतनी चर्चा में नहीं रही थी जितना कि इसे होना चाहिए। कहानी है एक गूंगे बहरे युवा के संघर्ष की, जो अपनी कमजोरियों पर मात कर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है। अपने करियर को बाद में औसत दर्जे की कॉमेडी फिल्में करके खराब करने वाले श्रेयस तलपड़े की ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने कोच की भूमिका की है जो इकबाल को ट्रेनिंग देता है। क्रिकेटर कोई किसान से कम मेहनत नहीं करता। की किस्मत में वो नीला यूनिफॉर्म लिखा है। दंगल बॉलीवुड की हिस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, जिसने 2000 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें से 1300 करोड़ से भी अधिक चाइना से कमाए थे। महावीर सिंह फोगाट, जो कि हरियाणा के एक गांव से थे, उनके जीवन पर यह फिल्म आधारित है। किस तरह उन्होंने अपनी बेटियों को रेसलिंग सिखाया जो उनका सपना था, ये फिल्म में दिखाया गया। फिल्म के चाइना में रिलीज होने के बाद आमिर खान वहां भी सुपरस्टार बन गए। हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। 4 नंबर पर है तिग्मांशु धूलिया की 2012 की फिल्म पान सिंह तोमर। और एक सच्ची कहानी पर आधारित ये फिल्म इंडियन आर्मी के सोल्जर जिन्होंने रनिंग में नेशनल गोल्ड मेडल जीता था, उन्हें क्यों बागी डकैत बनना पड़ा, इस पर फिल्म की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का और इरफान खान को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अरे हम तो तुझे दद्दा दद्दा कहते हैं, दद्दा दद्दा तो एथलीट है, धावक इंटरनेशनल। अरे माफ कर दे। अरे हमसे ऐसी क्या गलती है, क्या गलती है ये तेरे, हमसे हमारो खेल को मैदान छीन ले। 3 नंबर पर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म भाग मिल्खा भाग।
इंडिया के फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह के जीवन पर यह फिल्म आधारित है। पार्टीशन का उनके लाइफ पर क्या परिणाम हुआ और वो आर्मी में रहकर एथलीट कैसे बने, ये फिल्म में दिखाया गया है। फरहान अख्तर मिल्खा सिंह के किरदार में एकदम परफेक्ट फिट हुए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म के गाने, सभी एक्टर के परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब है। आपको अपने लाइफ में कुछ भी करने के लिए ये फिल्म आपको जरूर इंस्पायर करेगी। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की अपने सभी कठिन प्रसंगों का मुकाबला करके वर्ल्ड हॉकी चैंपियन बनने की चक दे इंडिया की यह कहानी आपके दिल को जरूर टच करेगी। शाहरुख ने इस फिल्म में वुमेन्स टीम के कोच का रोल प्ले किया है, जिनके करियर पर ईमानदारी से ना खेलने का दाग है और वो इस दाग को मिटाना चाहता है। शाहरुख का 70 मिनट का स्पीच तो यादगार बन गया, उनके करियर की ये एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। और आज की लिस्ट की नंबर वन फिल्म है आशुतोष गोवारीकर की 2001 की फिल्म लगान। ब्रिटिश रूल के वक्त के इंडिया के एक गांव की एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें गांव वालों को अपना लगान माफ करने के लिए अंग्रेजों को उन्हीं के खेल क्रिकेट में हराना है। उस समय में इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था, जो बहुत ज्यादा था। आमिर खान ने इस फिल्म को खुद ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को ऑस्कर फॉर फॉरेन फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला था। ऐसा कारनामा करने वाली ये तीसरी इंडियन फिल्म थी। इससे पहले मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला था। दूध पर छूत अछूत की छाप लगे के दूध तो आप ब्रश कर रहे हो, सारे गाँव की सांस ही छूत अछूत के धुएं से काय घोट रहे हैं। मुखिया जी, चमड़ी के नाम पे मन को छलना कौन नेक काम है का? आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपकी कौन सी स्पोर्ट फिल्म फेवरेट है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।